ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ। ଟନେଲରେ ଫସିଥିବା 41 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ। ପଥର କାଟିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଅଗର ମେସିନ। 14 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ। କେତେବେଳେ ତୀବ୍ର ଆଶା ତ କେତେବେଳେ ଆଶଙ୍କା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଟନେଲରେ ଫସିଥିବା 41 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଶେଷ କେମିଟର ଡ୍ରିଲିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାଧକ ସାଜିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର। ଏହି ବଡ଼ ପଥର କାଟିବାରେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନାହିଁ ଅଗର ମେସିନ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଗର ମେସିନ୍ର ଡ୍ରିଲିଂ ଅଂଶଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଇ 800 ମିଲିମିଟର ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛି। ଏହାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଜମା କଟର ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସୁଛି। ଫସିଥିବା ଅଗର ମେସିନ୍ ବ୍ଲେଡ୍କୁ କାଟିବ ପ୍ଲାଜମା ମେସିନ୍, ତାପରେ ମାନୁଆଲି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୟା ଭିତରେ ଉପରୁ ବି ଡ୍ରିଲିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ। बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण काट काट के एक मीटर काट के निकाल रहे थे। लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है, 25 मीटर करीब अभी और निकलनी है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी, और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। अभी हैदराबाद से अगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है, वो भी शाम तक जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा, और रात तक यहां पर आने से वो जल्दी और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। घटनास्थल रे पहुंची उद्धार कार्य अनुधान करिछंती उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री। हैदराबाद रु प्लाज्मा कटर मशीन आसीबा परे श्रमिकों को खूब शीघ्र उद्धार करा जइबो बोली से आशा व्यक्त करिछंती। अंतरजातीय टनल एक्सपर्ट आर्नल्ड डिस्क अनुसार देश और विदेश सबू एजेन्सी जोरदार उद्यम करछंती, तेबे आगो को आउ अगर मेसीन काम करिबो नाही, तेणु ड्रिलिंग काम मानुअली ही करा जिवो। भितरे समस्त श्रमिक भल अछंती, खूब शीघ्र समस्त को उद्धार करा जिवो। हमारी जो प्राथमिकता है 41 लोगों को निकालने की है। माने प्रधानमंत्री जी पल पल उसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कैंप किए हुए हैं, मैं भी 3 दिन से यहीं पे हूँ। हमारे तमाम हमारे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पे हैं। सबकी सामने एक ही चुनौती, हम पहले 41 लोग कैसे बाहर निकालें। अभी एक मशीन ऐसी भी है कि जिसको हैदराबाद से लाया जा रहा है, यदि वो आएगी तो और तेजी उसमें आएगी। आई एम श्योर एंड इट साउंड्स रियली ऑड, एवरीवन हु इज वर्किंग हियर हैव सच गुड इंटेंशंस। एवरी एजेंसी, एवरी पर्सन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज हियर विद अ वेरी फुल हार्ट, मेकिंग श्योर दैट द मेन कम होम। I believe they're coming home. I think they're going to be safe. I can't tell you when. ଉତ୍ତରକାଶୀ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଟନେଲରୁ ସମସ୍ତ 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି। ଉତ୍ତରକାଶୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଜଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।